आज के बाद ना कसम खाई किसी की सेकंड हैंड कार में नहीं बैठूंगी। अरे यार अभी गाड़ी ठीक चल रही थी तो तुम सब वाह 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 कर रहे थे और थोड़ा धक्का क्या लगाना पड़ गया, परेशान हो गए। कमाल है, 5 किलोमीटर तक गाड़ी के भीतर बैठे हुए थे और 6 किलोमीटर का धक्का, लेकिन एक बात है, धक्का लगाते हुए सारे लोग बड़े अच्छे अच्छे लग रहे हैं। ऋषभ और कितनी दूर है? बस ये ब्रिज क्रॉस करते ही। अब मुझसे नहीं होता, अब मेरे बस की बात नहीं है धक्का मारना। मैं भी थक गया बहुत बुरी तरीके से। एक काम करते हैं, तू ना गैराज वाले को यही बुला के लेके आ, यही गाड़ी ठीक करवा लेते हैं। अब एक कदम चलने की हिम्मत नहीं है। ठीक है यार, फिर तुम लोग यहीं रुको, मैं ही लेके आता हूँ। ले पकड़ो। बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही थी? अभी बंद हो गए? यार ये बांसुरी की आवाज कहाँ से आ रही है? हाँ यार अच्छी धुन है, कहीं आत्मा तो नहीं? आत्मा? चल आत्मा आत्मा कुछ नहीं होता, तू भी ना। वैसे ऋषभ कहाँ है? कितनी देर लगा दी, चल चल के ढूंढते उसको। मैं नहीं जाने वाला, तुम लोग जाओ। अरे चल ना। अरे रुको, ऋषभ का फोन यहीं कहीं बज रहा है। ऋषभ, ऋषभ कहाँ हो तुम? ऋषभ, ऋषभ कहाँ हो तुम? मैं वहां पे, देखो ऋषभ का फोन वहां बज रहा है, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया? चलो चल के देखते हैं। हाँ। अरे सुनो सुनो, नहीं ये रात का वक्त है, समझ रही हो, और ये जगह भी बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। मैं कहता हूँ कि हमें वापस चला चाहिए। लेकिन लेकिन उसे छोड़कर क्या हुआ उसका? एक काम करते हैं, हम लोग किसी को नहीं बताएंगे कि ऋषभ हमारे साथ था। हाँ सही कह रही है, चलो चलो, चलो, चलो। अरे चलना। ये तुम किस रास्ते से ले आए हो ना? ये शॉर्टकट है। शॉर्टकट? तुम्हें ये ब्रिज पता है ना क्या हुआ था यहाँ पर? उस बात को बीते 15 साल हो गए, समझी? थैंक गॉड बच गए हम लोग। कर गई थी अर्नब, चलो यहाँ से। हाँ ठीक है। अरे ये तो बांसुरी की आवाज है। पर इतनी रात में जो मेरे बांसुरी कौन बजा रहा है? जो भी हो बजा अच्छी रहा है। अरे एक सेकंड रुको ना, तुम भी ना। अर्नब अरे क्या कर रहे हो तुम अभी? अर्नब मेघा एक सेकंड, गलती हो गई हमसे, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुम लोगों ने गलती नहीं की है, जानबूझकर ऐसा किया है, जानबूझकर गए थे उधर से। तुम सब लोगों ने मिलके मेरे बेटे को गायब किया है। पता नहीं किस हाल में हो रहा था बेटा, तुम लोग ढूंढने की कोशिश करते तो शायद मिल भी जाता। कोशिश की हमने सर, बहुत कोशिश की, लेकिन पता नहीं वो कहाँ चला गया। आस पास जब वो कहीं नहीं दिखा हम लोग डर के मारे भाग के आ गए, एक मिनट में गायब हो गया था वो। बांसुरी सुनाई पड़ रही है तुम्हें? तुम लोगों ने पहले झूठ बोला है हमसे कि ऋषभ के बारे में कुछ नहीं मालूम, अरे तभी कह देते तुम खुद ही जाके ढूंढ लेते उसे। तुम सबने मिलकर मेरे बेटे के साथ कुछ किया है। नहीं अकल, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, हमने ऋषभ के साथ कुछ भी नहीं किया है। Thank you.
आइए प्लीज। ये आप लोगों की गाड़ी है ना? हाँ? नहीं सर, ये हमारी कार नहीं है। तो फिर किसकी है? पता नहीं सर, हमने तो अपनी गाड़ी टो करके मंगवा ली थी। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी गाड़ी खड़ी कहाँ थी? सर वहाँ उस तरफ। उस तरफ? और ऋषभ, ऋषभ कहाँ था उस वक्त? वो उस वक्त इसी ब्रिज पे था। इसी ब्रिज पर? और फिर अचानक से गायब हो गया। ऋषभ अचानक से गायब हो गया? ये कैसे हो सकता है? नहीं नहीं नहीं, गाड़ी चेक करते हैं। आप लोग यहीं पर रुकिए। लेडीज पर्स, मतलब कोई औरत बैठी थी गाड़ी। ये देखिए सर, गाड़ी में कुछ पेपर्स भी। देखो जरा किसके नाम पे गाड़ी। अर्नव। ये अर्नव नाम के आदमी की गाड़ी है? हाँ सर। सर हाँ, पति पत्नी बैठे होंगे गाड़ी में, लेकिन क्या दोनों के दोनों गायब हो गए? कौन गिरा हुआ है? ऋषभ, मेरी बेटी को मार दिया। सचिन, खून का रंग देखकर तो नहीं लगता कि 10-12 घंटे से ज्यादा पुराना है। सर ऋषभ तो गायब हुए तो 36 घंटे के ऊपर हो चुका है। हाँ सर, ये खून ऋषभ का नहीं है सर। बिल्कुल फ्रेडी, ये खून ऋषभ का नहीं है। हो सकता है उस गाड़ी में जो बैठे थे उन्हीं में से किसी का हो। सर कहीं ये सीरियल किलिंग फिर से नहीं शुरू हुई? हो सकता है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बॉडी को लेके कहाँ गया होगा वो। सचिन जरा पुल के नीचे देखो। सचिन जरा इधर देखो, इस तरफ। अर्नब, अर्नब, कमाल है, आवाज आदमी को दे रहा हूं जवाब चिड़िया दे रही है। अर्नब, ऋषभ, 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 सचिन मेरे। आप करो, करो सर, आराम। माय गॉड, लड़की को जिंदा कर दिया है। देखो जिंदा है क्या? जल्दी। हाँ सर, ये तो मर चुकी है। मर चुकी है? साफ करो जल्दी से, बाहर निकालो। हाँ सर। संभल के, बिल्कुल बिल्कुल संभल के। उठाओ उठाओ उठाओ। माय गॉड, किसका सेलफोन है? और सर ये सेलफोन यहाँ लाश के पास किसने छोड़ दिया? सचिन लगता है ये खूनी का हो सकता है। रात को उसके हाथों में से गिर गया होगा, पता नहीं चला होगा। देखते हैं। हेलो मेघा, कहाँ हो तुम? अर्नब और तुम यहाँ पर आने वाले थे ना? हेलो हेलो, देखिए मैं एसीबी प्रद्युमन बोल रहा हूँ, सीआईडी से। सीआईडी से? हमें एक लड़की की लाश मिली है। लाश? जी हाँ, लाश मिली है लड़की की। शायद ये मीका ही है। नहीं, मेघा। देखिए हमें ये लाश
लोनावला के शॉर्टकट रोड पे जो ब्रिज है उस ब्रिज के नीचे मिली है। उसका पति अर्नब वो कहाँ है? देखिए हम अर्नब को ढूंढ रहे हैं। जी हाँ, हेलो, लड़की की लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दो। सचिन, खून है यहां पर। देखो और कहीं है क्या? ये है, यहां पर भी है। इसका मतलब इस तरफ गया है वो। जूता, शर्ट का टुकड़ा है। ये देखो, घसीटने के निशान भी है। इसका मतलब है लाश को खूनी उस तरफ लेकर गया है। सर, मैंने लाश को फॉरेंसिक लैब भेज दिया है। गुड, अब एक काम करो, ये एविडेंस इकट्ठा करो और सचिन ब्लड सैंपल उठाओ। देखो, हाल ही में खुदी हुई मिट्टी है, शायद दोनों को यहीं पर गाड़ा होगा। खोदो यहां पर। रेडी, संभल के। हाँ सर, बिल्कुल। अरे ये क्या है? कंकाल सर। सर, इतनी जल्दी ये लाश का कंकाल कैसे बन सकता है? ये कंकाल अर्नब का या ऋषभ का नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। अरे बाप रे, दो दो कंकाल। कौन? संभल के निकालो बाहर से। बिल्कुल संभल के। निकालो। सर, इन कंकालों में तो खोपड़ी है नहीं। फ्रेडी, और खोद के देखो नीचे, शायद अंदर दबी होगी मिट्टी में। खोदो। सर, यहां पे तो कुछ नहीं है सर। चलो बाजू में खोदो। हाँ? बाजू में खोदो। ठीक है सर। मेरे बाबा, पूरा गड्ढा खोद डाला सर, कुछ भी नहीं है। ये क्या है? बाप रे बाप, कंकाल। सचिन सर, अंदर जाओ, लहा दो मुझे सर।
चार कंकाल यहाँ पर और दो उस तरफ, मतलब छह कंकाल, और छह के छह कंकालों को खोपड़ी नहीं है, इसका क्या मतलब हो सकता है? सर लगता है इन्हें मारने के बाद इनकी खोपड़ी काट ली गई है। ये देखिए सर, इन कंकालों को देख के ऐसा लगता है कि ये अलग अलग दिन पे मारे गए हैं। ये देखो, ये आखिर के ये दो कंकाल, इनके बीच की मिट्टी की परत देखकर लगता है कि इन दोनों को 5 और 6 दिन के बीच में मारा गया है। और सर ये तीसरे कंकाल से ऊपर बीच की मिट्टी, इसकी मोटाई काफी है सर, लगभग 10 उंगलियां हैं बीच में सर, मतलब इसे लगभग 10 दिन के बाद ही मारा गया है। ये चौथा कंकाल देखो, इसकी मिट्टी की परत 2 उंगल है। मतलब सर इसे 2 दिन बाद मारा है? इसका एक ही मतलब है, ये 6 के 6 खून 22-23 दिनों के बीच में हुए हैं। ये सारे खून कहाँ खून रहा है? सचिन ये वही बांसुरी वाला है, बांसुरी वाला जो कई साल पहले एक के बाद एक खून किए जा रहा था। तो सर ये खूनी पिछले 2 दिनों से लगातार किसी ना किसी का खून कर रहा है, और आज ये तीसरी रात है, हो सकता है आज रात भी वो किसी को अपना शिकार बनाए। आज वो हमारा शिकार बनेगा, हमारा शिकार। कंकालों को फोरेंसिक लैब में भेज दो, और फ्रेडी विवेक को बुलाओ, और आज रात तुम दोनों यहीं पर रुको। सारों की कंकाल कितने पुराने होंगे? बस एग्जैक्ट डेट बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन मैंने इन कंकालों के कुछ सैंपल्स दूसरी लैब में भेजे हैं ताकि एग्जैक्ट डेट पता चल सके। फिर भी अगर हम अंदाजा लगाएं तो मुझे लगता है ये खून कोई 14-15 साल पहले हुए। 14-15 साल पहले मतलब 1995 के आसपास। बिल्कुल, और हमें इन सभी लोगों के नाम भी पता चल गए। मतलब इनके रिश्तेदारों के जो डीएनए सैंपल्स हमने तुम्हें भेजे थे वो इनके साथ मैच हो गए? बिल्कुल। ये देखो, ये कोई अजीत है, और ये उमा है। सर जरा यहाँ पर देखिए। सर इन सब लाशों की पसलियों पर खरोचों के निशान है, 3-3, 4-4। ध्यान से देखिए सर, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ पर। ऐसे खरोचे तो तभी आ सकती है जब कोई चाकू या धारदार हथियार से वार किया हो। सर ये जो गर्दन काटी गई है ये सौ से बिल्कुल सफाई से काटी गई है। अच्छा, ये देखिए। बॉस ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे सर्जरी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है। अगले काम करो, 15 साल पहले जब इन लोगों के खून हुए थे तब की केस फाइल्स निकालो, और जिन लोगों पर शक था उन सब के नाम भी लेकर आओ। 15 साल पहले जो ब्रिज पे खून हो रहे थे सर, इसमें ये तीनों पकड़े गए थे, और इन तीनों पे केस भी चला था सर। हाँ, ये रणधीर मेडिसिन का प्रोफेसर है, भुवन ऑटोमोबाइल्स का धंधा करता है, और ये मालविका धोखेबाज औरत। पता नहीं कैसे सर उस वक्त पुलिस को लाशें नहीं मिली थी, सबूत ना मिलने की वजह से तीनों छूट गए थे। मुझे तो लगता है अभी फिर से इन्होंने खून करना शुरू कर दिया है। हो सकता है सर, ये भुवन ये तो सर लोनावाला के पास ही रहता है। चलो मान लिया कि इन तीनों के सिर पर भूत सवार है और इसीलिए खून पर खून किए जा रहे, तो फिर विवेक और फ्रेडी पर अटैक क्यों नहीं किया इन लोगों ने? सर फ्रेडी पे हमला करने से पहले आदमी 10 बार सोचेगा, मरना है क्या उन्हें फ्रेडी पे हमला करके? हाँ सर, हो सकता है वो पहले ही समझ गए हो कि ये लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी सीआईडी ऑफिसर ही है। सर इन तीनों में सबसे ज्यादा शक इस रणधीर पे जाता है, क्योंकि ये एक मेडिसिन का प्रोफेसर है, और जितने भी कंकाल हमें मिले थे उन सब के सिर बड़े सफाई के साथ कटे हुए थे। एसीपी साहब आप यहाँ? गाड़ी बंद पड़ गई क्या? गाड़ी ठीक करवाने नहीं आया हूँ मैं, तुम्हारी हालत पूछने आया हूँ। देखो साहब, वो लास्ट टाइम आपने पकड़ा था तो मैं वो चोरी की गाड़ियां बेचना मैंने बंद कर दिया साहब, सच्ची बोलता साहब कसम से। इधर आओ। वो ब्रिज है ना, वो पुल, वहां से लोग गायब हो गए। क्या? हाँ। ये कब हुआ साहब? पिछले 48 घंटों में 2 लोग गायब हो गए और एक औरत की लाश मिली। ये गैरेज तो 24 घंटे खुला रहता है ना? साहब मेरा गैरेज है साहब, 24 घंटा हम लोग यहीं पर रहते साहब। बताओ कल रात को क्या तुमने किसी को उस ब्रिज की तरफ
जाते हुए देखा या वहाँ से आते हुए? हाँ साहब, कल रात को मैंने एक गाड़ी को जाते हुए देखा था साहब। कैसी गाड़ी थी बताओ? एक बड़ी सी जीप थी और उसकी नंबर प्लेट पे नीली लाइट लगी हुई थी। जीप थी और उसके नंबर प्लेट पर नीली सी लाइट थी जी। तो उसका नंबर भी देखा होगा तुमने? हाँ साहब, XOL 76K 1870। अच्छा, गाड़ी में कितने लोग थे? सर, औरत चला रही थी, वही अकेली थी सर। एक ही औरत थी, वही गाड़ी चला रही थी? पहले यहाँ से वहाँ गई और आधे घंटे के बाद वापस आई। अच्छा, वो कल रात को ही आई थी या उससे पहले भी कभी आई थी गाड़ी लेकर? परसों भी आई थी साहब। साहब, वो मतलब गाड़ी चलने के चक्कर में गाड़ी ठोक भी दी उसने। तो क्या तुमने उस लड़की को देखा? हाँ साहब, ठोकने के बाद जैसे ही वो गाड़ी को देखने के लिए बाहर आई, गाड़ी की हेडलाइट से मैंने उसे देखा कि बहुत सारे गहने पहने हुए थे साहब, और चमकदार कपड़े भी उसने पहने थे साहब। हाँ साहब जी सर, उसने एक ना बड़ी बिंदी भी लगाई थी और हम लोग जैसे उसके पास जाने लगे वो अपने गाड़ी में बैठ के चली गई। ये लड़की थी शायद साहब, यही थी। नहीं नहीं, ठीक से याद करके बताओ, क्या यही थी वो लड़की? याद करो। हाँ साहब, यही पक्का, यही थी। मालविका? क्या पक्का? आप फिर से देख लो। ओके, थैंक यू वेरी मच। वो गाड़ी मालविका की नहीं है, वो भुवन की है। भुवन की? भुवन? हाँ, वही भुवन जो 15 साल पहले गिरफ्तार हुआ था। सर, भुवन की गाड़ी में ये मालविका क्या कर रही थी? सर, मुझे तो लगता है ये भुवन और मालविका दोनों आपस में मिले हुए हैं। इस मालविका से मिलना पड़ेगा। सर, मैंने पता लगाया, मालविका यहाँ नहीं है, बाहर गई हुई। अच्छा, तो भुवन को उठा। सर, इन पेपर्स में तो जो कुछ भी लिखा सर वो मेरी गाड़ी के बारे में ही है, लेकिन सर मेरी गाड़ी लोनावाला रोड पर कैसे पहुंच गई सर? वही तो भुवन जी, हम भी यही सोच रहे कि आपकी गाड़ी लोनावाला में पहुंची कैसे। सर, मेरी गाड़ी तो घर पे खड़ी थी सर, पर मैं बाहर गया हुआ था सर, पीछे से कौन गाड़ी ले गया सर मालूम नहीं सर। मालविका तुम्हारी गाड़ी में बैठी थी, लाशों को लेकर घूम रही थी वो तुम्हारी गाड़ी में बैठकर। सर, मालविका ने मेरी गाड़ी इस्तेमाल की सर खून करने के लिए? हाँ। वैसे भुवन जी, आप गए कहाँ थे? सर, मैं एक हफ्ते से बाहर था सर, मैं मसूरी गया था सर, वहाँ एक होटल बनाया सर। मसूरी में थे? हाँ सर, एक मिनट सर। सर ये देखिए सर, ये मेरे होटल का बिल सर, और ये टिकट है। सर, 18 से 25 मई तक मैं मसूरी में ही था सर। चलिए भुवन जी, आपकी ये बात तो सच निकली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपराध में आप शामिल नहीं थे, समझे? गाड़ी दिखाइए आपकी। यही गाड़ी है भुवन जी, ये देखिए नंबर XOL 76K 1870। ये देख, एक्सीडेंट भी हुआ है गाड़ी का, हैं? इसका एक ही मतलब है कि खूनी इसी गाड़ी में था, इसी गाड़ी में। सर, मुझे तो पता ही नहीं चला सर कि मुझे बिना बताए कौन गाड़ी ले गया सर, और ये गाड़ी कहाँ कहाँ गई है सर। अच्छा, आपको बिना बताए कोई गाड़ी लेकर गया और वापस जगह पर लाके खड़ी कर दी, हैं? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है क्या? सचिन, गाड़ी को अंदर से अच्छी तरह से चेक करो। बड़ी चाबी नहीं, बड़ी फिंगरप्रिंट छुटा। अब इससे पहले मैं गाड़ी के अंदर घुस जाऊं, सच सच बता दूं। सर, सच तो वही है सर कि मुझे कुछ नहीं पता सर। तुम्हें कुछ नहीं पता, ठीक है, पता चल जाएगा। सचिन, जरा स्क्रेपर लेकर आओ और टिश्यू भी। सर,
सर आप तो चलो। सॉडस्ट मतलब सर ये गाड़ी किसी सॉमिल में गई थी? बिल्कुल, जहां पर लकड़ियां काटी जाती है। क्यों भोन जी, यहां आसपास कोई सॉमिल है? सर हाँ, एक सॉमिल है सर, यहां से 5 किलोमीटर दूर। सर हाँ, पीछे तो आइए, पीछे बहुत कुछ है। ये देखिए सर। माय गॉड, भोन जी इधर आओ। क्या ये, क्या कहते हैं इसे? ये खून यहाँ कहाँ से आ गया सर? ये खून लाशों में से टपका है, लाशों में से। अर्णव और ऋषभ के लाशों में से टपका है। उन दोनों की लाशों को इसी गाड़ी में ले जाया गया। किसने दी गाड़ी खूनी? किसने दी? मुझे नहीं पता सर, मैंने तो नहीं दी सर। सर हाँ, एक बात समझ में नहीं आ रही है सर, अगर गाड़ी में इतना सारा खून पड़ा है तो खूनी के हाथों या पैरों पे कहीं पे तो लगना चाहिए था। हाँ? लेकिन गाड़ी में कहीं भी उंगलियों के निशान नहीं है सर। गाड़ी में कहीं पर भी उंगलियों के निशान नहीं? बिल्कुल नहीं सर। इसका मतलब है उंगलियों के निशान साफ किए गए। सर अगर उंगलियों के निशान साफ किए गए हैं तो फिर खून क्यों छोड़ दिया? लगता है खून जान बुझ कर छोड़ा गया। जान बुझ कर डॉक्टर तारिका को बुलाओ और उसे कहो कि गाड़ी को अच्छी तरह से अंदर बाहर से चेक करें। ये खून जानबूझकर छोड़ा गया, मगर क्यों? जो जो लोग वो बांसुरी वाला संगीत सीख रहे हैं और जो लोग उन्हें सिखा रहे हैं, उन सब के नाम और पते मिल गए सर। वेरी गुड, चलो लगा के देखें। यस सर। इन्हीं में से कोई खूनी से मिला होगा। ये देखिए सलोनी, ये तो रणधीर की बेटी है सर। रणधीर की बेटी सलोनी? मालविका एक गाड़ी चलाती है जो गाड़ी भुवन की है, और भुवन 15 साल पहले खून करने के शक में गिरफ्तार हुआ था। एक और आदमी गिरफ्तार हुआ था, रणधीर, और अब रणधीर की बेटी सलोनी संगीत सीख रही है, वो खतरनाक संगीत जो बांसुरी भी बजाया जाता है, और बांसुरी जब जब बजती है तब तब खून होता है। सलोनी से मिलना पड़ेगा। आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कीजिए, क्योंकि इस ट्यून को आप लोगों को एक प्रोग्राम में बजाना है। सर प्रोग्राम में? हाँ, ये तैयारी हम लोग प्रोग्राम के लिए ही तो कर रहे हैं। Excuse me, आप मिस्टर गौतम हैं? जी कहिए, मैं ही हूँ गौतम। देखिए हम लोग CID से, और यहाँ पर एक केस के सिलसिले में आए हैं। सर किस केस की लगी बात कर रहे हैं आप? रनावला शॉर्टकट के रास्ते पर जो ब्रिज है वहाँ से 2 लोग गायब हुए हैं और एक औरत का खून भी हुआ है, उसके बारे में पूछताछ कर रही है। लेकिन हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं। देखिए खून करने वाला खून करने से पहले बांसुरी बजाता है, और वही धुन बजाता है जो आप इन लोगों को सिखा रहे हैं। बांसुरी बजा के लोगों को फंसा रहा है खून, और हमें शक है कि यहीं का कोई स्टूडेंट खूनी के साथ मिला हुआ है, यहीं का कोई आदमी है जो बांसुरी बजा रहा है। आप लोगों को कोई गलतफहमी हुई, हमारा कोई भी स्टूडेंट इस तरह का गलत काम नहीं करेगा। आपके एक स्टूडेंट है सलोनी। सलोनी? हाँ सलोनी, शायद उसी ने ये सब किया है। 15 साल पहले उस ब्रिज पे और भी खून हुए थे, उस वक्त सलोनी के पिता गिरफ्तार हुए थे। कहाँ है सलोनी? सर वो कई दिनों से क्लास में नहीं आ रही है, जब से रिसो पैलर का गायब हुआ है ना तब से। आपने पता नहीं किया क्यों नहीं आ रही? नहीं हमने पता किया था, उसने कहा कि उसकी तबीयत खराब है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उसकी तबीयत खराब है। इसका मतलब वो झूठ बोल रही है? जी हाँ। ना कोई ताला है, ना वॉचमैन है, मशीन भी देखो लगता है काफी दिनों से यहां पर काम नहीं हुआ इस सॉमिल में।
बदबू आ रही है। बदबू आ रही है ना सचिन? सचिन, ये लाश की बदबू है। लाश की बदबू है। लाश यहीं कहीं है, ढूंढो लाश को। वार किए जब तक खूनी को विश्वास नहीं हुआ कि ये दोनों पूरी तरह से मर चुके हैं, वो उन पर वार करता गया, वार करता गया, वार करता गया। आप मेरी बेटी सलोनी पर बिना बात के शक कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इसलिए कि कुछ साल पहले जो खून हुए थे उस जगह पे, मेरा मतलब है कि उसमें मेरा नाम था। मिस्टर रणधीर, एक बात तो ये है। एक बात? और दूसरी बात क्या है? आपकी बेटी बांसुरी पे एक धुन सीख रही है, वही धुन जिसे बजा के खूनी ने 15 साल पहले खून किए थे। आप तो उस धुन को अच्छी तरीके से जानते होंगे, आप तो फंसे थे ना उस केस में। तो क्या म्यूजिक सीखना गुनाह है? नहीं, कोई गुनाह नहीं है, लेकिन हजारों धुनें दुनिया में सीखने के लिए, वो सब छोड़ के सिर्फ यही एक धुन बची थी है? जिसे बजा के शायद आपने 15 साल पहले खून किए थे। देखिए, कोर्ट ने मुझे छोड़ दिया था, ये बात आप मत भूलिए। आप भी ये मत भूलिए कि अभी ऋषभ, मीका और अर्णब का खून हो गया है। तो ये खून मैंने किए? क्या मैंने किए? सलोनी, देखिए प्लीज आप इसे तंग मत कीजिए, इसकी तबीयत पहले ही ठीक है, इनकी बार भी नहीं है, और बांसुरी की धुन भी सीख रही है। और भी 20 स्टूडेंट्स हैं जो यही धुन सीख रहे हैं। हाँ है, लेकिन उनकी तबीयत खराब नहीं हुई, वो भी ठीक उसी दिन जिस दिन ऋषभ गायब हुआ था। मेरी तबीयत खराब हो गई, इसमें मैं क्या कर सकती थी? ठीक है, हमें आपकी घर की तलाशी लेनी है। मगर क्यों? अर्णव और ऋषभ की लाशें ढूंढनी है, और वो हथियार भी जिससे शायद आपने उनका खून किया है। काजल, यहाँ पे चेक करो। सर, आपका एक आउट हाउस है ना, उसकी चाबी दीजिए। आउट हाउस की चाबी? चाबी दीजिए। अब इस घर में क्या मिलेगा आपको? वैसे भी ये घर महीने में एक ही बार ही खुलता है। चुप रहो। कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, क्या मिले? किसने किया था फोन आपको? ना तो मैंने उसे कभी देखा है, ना ही जानती हूँ। वो तो मुझे फोन पर धमकी दे रहा था कि उसके पास मेरे खिलाफ कोई सबूत है जिससे वो मुझे जेल भेज सकता है। क्या है वो सबूत? पता नहीं, मगर 1995 में लोनावाला ब्रिज पर जो खून हुए थे उसी के बारे में वो बात कर रहा था। उस केस में मेरा भी नाम था,
मुझे भी गिरफ्तार किया था उसमें, मेरी जिंदगी भी खराब कर दी उस केस ने। मगर आपने अर्णव और मेहिका को मारा ही क्यों? मैंने नहीं मारा सर। 24 मई की रात को तुमने ऋषभ का खून किया और 25 मई को अपने ही घर में चल रही पार्टी से तुम गायब हो गई और वहाँ ब्रिज पर जाकर तुमने मेहिका और अर्णव का खून किया। ये झूठ है, मैंने किसी का खून नहीं किया। लोगों ने देखा है आपको गाड़ी में घूमते हुए। किसी और को देखा होगा। नहीं, वो आप ही थी। नहीं, मैं तो शहर में थी ही नहीं। सोलंकी, ये उन्हीं 6 लोगों के सिर है ना जिनके कंकाल हमें मिले थे? बिल्कुल उन्हीं लोगों के सर, और हम लोगों ने उनका चेहरा भी लगभग बना दिया। ये देखिए सर, ऐसे दिखते थे ये लोग? हूबहू तो नहीं पर लगभग ऐसे ही लगते थे। अब सब साफ हो गया है सर, रणधीर ने इन लोगों को मारा है, हमें उसे गिरफ्तार कर लेना चाहिए। काजल, 15 साल पहले सिर काट कर वो सिर कोई अपने घर में सजा कर रखेगा? नहीं सर। छुपाएगा नहीं? इसका मतलब है सर रणधीर को किसी ने फंसाया है उसके घर में कटे हुए सिर रखकर। हाँ, इस केस में सिर्फ रणधीर नहीं बल्कि भुवन और मालविका उन पर भी इल्जाम है, समझी? सर, हाँ। भुवन की कार से एक भी उंगली का निशान नहीं मिला है। हाँ, ये तो तुम पहले भी बता चुकी हो। हाँ सर, मगर जिसने भी ये कार चुराई है उसने सारे निशान एक क्यूरोल नाम के केमिकल से साफ कर दिए। क्यूरोल? जी सर, ये केमिकल जनरली लॉन्ड्रीज और ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। लॉन्ड्रीज और ड्राई क्लीनिंग फैक्ट्रीज? मुझे पता है ये फैक्ट्री किसकी है। माफ कीजिए, हम आपको परेशान नहीं करना चाहते मगर खूनी यहीं पे है। किसने किया मेरे बेटे का खून? कि हमें कुछ बोलना ना पड़े। ईशान, सब कुछ तुम ही बता दो। मैं क्या बता दूं मैं? अरे मैंने थोड़ी ना किया है। पुरानी कहावत है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये ऐसे बताने वालों में से नहीं है। सर मैं अपने दोस्त का खून क्यों करूंगा सर? अच्छा, बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने, अपनी फैक्ट्री से ट्यूरोल लाके भुवन की गाड़ी से सारे निशान साफ कर दिए। क्या कह रहे हैं सर, ट्यूरोल? हाँ ट्यूरोल। देख अभी प्यार से समझा रहे हैं, इस घर में एक मौत हुई है, ज्यादा बवाल मचाना नहीं चाहते, सच सच बता। सर मैंने कहा ना कि मैंने उसका खून नहीं किया है। खून तो तूने ही किया है। मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। तो अब निकले तुम्हारी आंखों से आप। माफी मांगना है तो ऋषभ के माँ बाप से मांगो जिनकी गोद उजाड़ दी है तुमने। सर मैं ऋषभ को मारना नहीं चाहता था, वो तो मजबूरी में मारना पड़ा सर। मजबूरी? खून करने में कैसी मजबूरी? 15 साल पहले ब्रिज रोड पर जो खून हुए थे सर उसमें मेरे डैडी का भी खून हुआ था। भुवन, रणधीर और मालविका, इन्हीं तीनों में से किसी ने उनका खून किया है सर। तो उनसे लेना था ना बदला, किसी बेगुनाह की जान लेके क्या फायदा? 1995 में जैसे एक बाद एक कत्ल हुए थे मैं भी वैसे ही करना चाहता था ताकि सबका ध्यान इन तीनों पे चला जाए। आप लोग इनको पकड़े और सजा दिलाए सर, क्योंकि वो लोग उस बार छूट गए थे। मैं पक्का यकीन है कि खून इन तीनों में से ही किसी ने किया था? हाँ सर, मैंने उन तीनों लोगों को एक मिल में मिलते हुए देखा था जहाँ पर मुझे कटे हुए सर मिले थे जार में। फिर मुझे ये मालूम नहीं था कि उन तीनों में से असली खूनी कौन है सर। असली खूनी कौन है ये तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन जो तुमने किया है वो भी गलत है। आज नहीं तो कल कानून उन्हें सजा देता, लेकिन तुम भी अब फांसी से नहीं बचोगे। ले जाओ इसे।
अगर सब खूनी कैसे आएगा हाथ में? देखते जाओ खाजा, देखते जाओ। देखता हूँ कौन है ये। इतनी हिम्मत की है, हमें धमकी दे रहा है। सामने आएगा तो पता चल जाएगा कौन है ये ब्लैकमेलर। लगता है इसे अपनी जान प्यारी नहीं है, इसलिए इसने जोश में आकर फोन कर दिया। लेकिन ये मेरे हाथों से जिंदा बचकर नहीं जाएगा। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? मैंने क्या किया है? 15 साल पहले यहाँ पर जो खून हुए थे, तू वैसे ही खून कर रहा है। तो खून किया तूने और फंसाना चाहता है हमें? मैं फंसा रहा हूँ आप लोगों को। हाँ, तूने ही फोन किया था ना कि तू सीआईडी को बता देगा कि हम तीनों में से खूनी कौन है। मैंने कोई फोन नहीं किया, बल्कि आप में से किसी ने मुझे फोन किया था और ये कहा था कि अगर मैं ये खून खराबा बंद कर दूं तो वो सीआईडी को सब कुछ बताने के लिए तैयार है। मैं जानता था एक ना एक दिन धोखा जरूर देगी तुझे। तुमने करवाया सब? नहीं रणबीर, होश में आओ, ये आदमी झूठ बोल रहा है। तुम दोनों का नाटक बंद है। मैं तुम लोगों की चाल समझ चुका हूं। तुम लोग मुझे पकड़वाना चाहते हो ना? असल गलती तो मुझसे ही हो गई। 15 साल पहले अगर मैं तुम लोगों को भी मार देता तो अच्छा रहता। सीआईडी? हाँ सीआईडी। 15 साल से इंतजार करवाया ना तुमने? तो तुमने करवाया ये सब? हाँ, क्योंकि मैं अकेले जेल नहीं जाना चाहता था, मुझे कंपनी देने के लिए कोई तो चाहिए था ना। और तुम दोनों को तो कंपनी देने की आदत ही है, क्यों भुवन है ना? ये भुवन एक नंबर का खूनी, एक के बाद एक खून करता गया और तुम लोगों ने उसका साथ दिया। और ये रणधीर बड़ी सफाई से लोगों का गला काटता है। हाँ सर, यही गले काटता था सबके। सर सर बहुत वैशी है सर ये। सर आप लोग इसे पकड़ लो सर, और सर मुझे छोड़ दो सर। चुप। 15 साल तक दोस्ती का गाना गा रहा था, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे है? और अब दोस्त को कुर्बान करने निकला। अब जेल में सड़ते बैठना तुम लोग, तुम सबको तो फांसी हो कर ही रहेगी। नहीं चलो इन्हें, चलो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.